जब भी आप पासपोर्ट सेवा केंद्र जाते हो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके और उस डॉक्यूमेंट्स में सब कुछ सही रहता है तब तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, लेकिन आपकी एक छोटी सी गलती आपका वहाँ पर टाइम वेस्ट कर सकती है। तो जी हाँ, मैं आज ऐसे ही बात कर रहा हूँ आधार कार्ड की, कि अगर आपका आधार कार्ड बहुत पहले बन चुका है और उसमें VID नंबर नहीं है या फिर आपका जो QR कोड होता है वो स्कैन नहीं हो रहा है, तो आप इसको फटाफट से जाइए और अपडेट कर लीजिए, और जो नया वाला डाउनलोड होगा उसमें आप QR कोड स्कैन करके देख लीजिए सक्सेसफुल वो स्कैन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। फिर इसके बाद से आप पूरा सब कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके ओरिजिनल और पासपोर्ट सेवा केंद्र जा सकते हो, जिसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो ऐसे ही मेरे पास दो आधार कार्ड पुराने हैं और उसमें से मैं एक को रिप्रिंट कराया हूँ, रिन्यू कराया हूँ। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली स्कैन करके बता देता हूँ कि क्या रिजल्ट आ रहा है, कौन सा वाला सही है, कौन सा वाला यहाँ पर चलेगा और कौन सा वाला यहाँ पर फेल हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास जो आधार कार्ड है वो मेरा ही है, लेकिन वो बहुत पहले मैंने बनवाया था, ओल्ड हो गया है, लेकिन उसमें जो QR कोड है वो फ्रंट साइड में है। चलिए मैं आपको स्कैन करके बता देता हूँ कि क्या रिजल्ट आता है। तो देखिए दोस्तों, रिजल्ट आपके सामने है, यहाँ पर लिख के आ रहा है कि दिस इज नॉट ए UID कंप्लीन्स QR कोड। तो इस प्रकार से आप भी चेक कर सकते हो कि आपका आधार कार्ड ओल्ड है या फिर न्यू है। चलिए अब मैं आपको दूसरा QR कोड स्कैन करके बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर दूसरा आधार कार्ड लगा दिया है और अब मैं यहाँ पे स्कैन पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी इसका रिजल्ट आ गया है कि दिस इज इन ओल्ड वर्जन ऑफ आधार, प्लीज़ गो टू। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो आधार कार्ड है आपका पुराना वाला है, आप इसको नया कीजिए। तो चलिए अब मैं आपको जो बता रहा हूँ कि इसी का मैंने रिप्रिंट कराया है और उसको अब मैं स्कैन कर लेता हूँ और देखता हूँ कि क्या रिजल्ट आता है। तो देखिए दोस्तों, इस बार एक QR कोड स्कैन कर लिया है सक्सेसफुल और आधार कार्ड जिसका भी होगा उसका डिटेल आपको यहाँ पर सामने देखने को मिल जाएगा, उसका नेम और जेंडर और डेट ऑफ बर्थ और कौन सा मोबाइल नंबर इसमें लिंक है और उसका एड्रेस भी यहाँ पर दिखाई दे देगा। तो इस प्रकार से आप भी चेक कर सकते हो कि आपका आधार कार्ड ओल्ड है या फिर न्यू है या फिर कौन सा वाला वैलिड है। अगर पुराना ज़्यादा हो गया तो आप उसको अपडेट करके न्यू वाला डाउनलोड करके लेमिनेशन करके रख लीजिए, इसके बाद से आप पासपोर्ट सेवा केंद्र जाइए। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपके मन में अभी भी किसी प्रकार कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।